फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं सुमन और आप देख रहे हैं सुमन्स व्लॉग एंड लाइफस्टाइल। आज हम बनाएंगे टमाटो केचप, बिल्कुल मार्केट जैसा घर में बनाएंगे। तो इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए, चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने लिया है 1 किलो फ्रेश टमाटर, बिल्कुल लाल होने चाहिए, हरे नहीं होने चाहिए जैसा कि आप देख सकते हैं। और लहसुन की कुछ कलियाँ ली हैं, जो एक पूरी गांठ होती है लहसुन की, वो पूरा हमने ले लिया है। और इसके अलावा हमने लिया है अदरक 2-3 टुकड़े जैसा कि आप देख सकते हैं, और एक बड़ा प्याज लिया है। और यहाँ पर हमने एक पैन चढ़ा दिया, उसमें बिल्कुल ज़रा सा पानी हमें डाला है और लहसुन हमने इसमें डाल दिया है, और जो अदरक लिया था हमने वो भी इसमें हमें डाल देना है, और जो प्याज हमने काटा था वो भी हम इसमें डाल देंगे। और अब इसे 2 मिनट तक हम पकाएंगे, खुले में ही पकाना है, ढकना नहीं है। तो ये देखिए 2 मिनट हो चुके हैं, और अब जो हमने टमाटर काटे थे 1 किलो, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। मुझे ये लाल लाल टमाटर बहुत अच्छे लग रहे हैं देखने में भी। तो हमें इसे तब तक पकाना है जब तक ये बिल्कुल अच्छी तरीके से गल ना जाए। तो हम इसे 10-15 मिनट के लिए ढक देते हैं, और 10-15 मिनट बाद हम इसको चेक करेंगे। तो ये देखिए हमने चेक किया है, ये अभी गले नहीं है, तो इसे हम थोड़ी देर के लिए, यानी 10-15 मिनट के लिए हम और इसे पकाएंगे। तो अब हम फिर से चेक करते हैं, ये देखिए अब ये अच्छी तरीके से गल चुके हैं। तो हम इन्हें ठंडा होने के लिए रख देंगे और फिर मिक्सी में इसे हम पीस लेंगे। तो ये देखिए ये ठंडा हो चुका है और हमने इसे मिक्सी जार में डाल दिया है, और इसका बिल्कुल फाइन पेस्ट बनकर तैयार हुआ है बिल्कुल इस तरीके से। और अब हम इसे स्ट्रेनर की सहायता से छान लेंगे, जिससे इसके बीज और छिलके निकल आएँ, क्योंकि हमें बीज और छिलके नहीं चाहिए, बिल्कुल फाइन पेस्ट चाहिए इसका। तो इस तरीके से आप इसको छान सकते हैं। तो ये देखिए अब हम इस कढ़ाही में जो पेस्ट तैयार हुआ है, इसको हम गैस पर चढ़ाएंगे और इसे हमें गाढ़ा होने तक पकाना है। और अब इसमें हम डालेंगे 1 कटोरी चीनी। चीनी आप कम ही डालना, अगर कम पड़े तो बाद में और भी हम इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन अगर ज़्यादा हो गया तो हम इसको निकाल नहीं पाएंगे, इसलिए हमने सिर्फ 1 कटोरी चीनी डाली है इसमें। और इसे बराबर चलाते रहना है, क्योंकि नहीं तो फिर ये नीचे लग जाएगा। टमाटो केचप बनाने में मुझे पूरा 1 घंटा लगा है। तो देखिए ये जैसे जैसे बनता जा रहा है उसका कलर चेंज होता जा रहा है। और यहाँ पे हमने वाइट विनेगर लिया है, तो वाइट विनेगर हमने 3-4 बड़े चम्मच लिए हैं, और इसे हम डाल देंगे इसमें और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और उसके बाद हम यहाँ पर डालेंगे इसमें कश्मीरी लाल मिर्च, जिससे कलर भी बहुत अच्छा आएगा और हल्का सा तीखापन भी आएगा। हमें बहुत ज़्यादा तीखा नहीं करना है। अगर आपको तीखा बनाना है तो आप तीखी वाली किसी लाल मिर्च भी ऐड कर सकते हैं, मुझे बहुत तीखा नहीं बनाना है। कश्मीरी लाल मिर्च डालने से कलर बहुत अच्छा आ जाता है। उसके बाद यहाँ पर हमने लिया है 1/2 चम्मच काला नमक, यानी 1/4 स्पून काला नमक, और 1/4 स्पून सफ़ेद नमक हमने इसमें ऐड किया है। उसके अलावा हमने यहाँ पर डाला है 0.5 ग्राम अजीनोमोटो। अगर आप इतना कम इस्तेमाल करेंगे तो आपको ये बिल्कुल नुकसान नहीं करेगा, अगर आप इससे ज़्यादा अजीनोमोटो डालेंगे तो आप नुकसान करता है। तो याद रखिए 0.5 ग्राम अजीनोमोटो डालना है हमें, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो ये देखिए अब बिल्कुल आधा रह गया है और एकदम गाढ़ा हो गया है। तो ये बनकर बिल्कुल तैयार है और हम ठंडा होने का वेट करेंगे इसका। ये देखिए बिल्कुल ठंडा हो चुका है और गाढ़ा भी।
ये हमने एक बॉटल हमारे पास पुरानी थी तो उसको हमने गर्म पानी से वॉश कर लिया है और बिल्कुल सुखा लिया है। अब बड़ा टास्क ये है कि हम इसमें इसको डालेंगे कैसे, क्योंकि मेरे पास कीप नहीं है तो मैंने ये पॉलीथीन लिया है और इसमें हम जो है टमाटो केचप को भर लेंगे। एक ग्लास में पॉलीथीन को लगाकर इस तरीके से हम लिक्विड को भर लेंगे इसमें, और उसके बाद उसके जो पॉलीथीन है उसके कोने को काट कर इस तरीके से हम बॉटल में लगा देंगे और देखिए बहुत आसानी से इसमें ये चला जाएगा। तो फ्रेंड्स, आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल सुमंस ब्लॉग एंड लाइफस्टाइल। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। दुआओं में याद रखिएगा।